राधे राधे मित्रों, संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है और यह मुक्तावरण संतान सप्तमी व्रत संतान को सुख देने वाला, वैभव देने वाला, उनकी उन्नति करने वाला माना जाता है। संतान सप्तमी के दिन भगवान शिव और माता गौरी की विशेष पूजा का विधान होता है और इसकी पौराणिक व्रत कथा हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर हो जाएं और वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। ये सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमेश ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहने पर लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत कहें तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वो भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थीं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजन कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? ये सुनकर के स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से खोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का संकल्प मन ही मन लिया और वे घर लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माँ पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई और थोड़े समय के बाद दोनों ने ये देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से उनका किया गया और भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ और सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वह सब भगवान शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान और दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अभी भी बनी रही। रानी अब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी। तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन तथा अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर के व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची और रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन इसमें किसी का क्या वश?
कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और मन में उसके पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी पुत्रों के हत्या का विचार मन में लाकर के लड्डू में विष मिलाकर उनको खाने के लिए दिया, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु ना हुई। ये देख करके रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता लगाने का मन ही मन उन्होंने ठान लिया। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू दिया था, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? तू नए नित सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर अपनी बड़ी बहन समझकर मुझसे कह, मैं ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर के भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमने 3 जन्म पहले का हाल याद दिलाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मण थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजा अर्चना करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने का प्रतिज्ञा किया, किंतु तुम भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा जिसे तुम आज तक भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। तुमने दूसरे जन्म में बदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से और इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में भी व्रत को ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बदरिया वाले जन्म में भी इस व्रत को भूल गई। मैं समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जो यह भारी संकट है इसका एकमात्र कारण यही है। मैं कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान के साथ कीजिए, इससे आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। लोमी ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुन करके रानी को पुरानी बातें याद आ गयी और वह पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को चली गईं। भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव था कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमी ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुम्हें भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। ये सुनकर के ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शंकर तथा मां पार्वती की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गठाने लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सब को एक तांबे के पात्र में रखकर उनका खोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा। लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है, भगवान शंकर और माँ पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है और निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। तो यह थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। नमो नारायण।